हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th की क्लास है, जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर आपने मिस कर दिया है, पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, तो कोई टेंशन मत लो यार, मैं हूँ, सब कुछ आपको याद दिलाता रहूंगा, बस आप करते रहना। तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप वो देख लो, बेसिक कंसेप्ट सारा समझ लो, प्लस ML भार्गव की जो बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1.3। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आर। एक वुमेन की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आर। तो यानी यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट सारा समझा हुआ है पिछली वीडियो से, तो आपको पता है कि जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है उसको हम कंसिडर करते हैं एक्स। तो x की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर 8, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया y, तो y की वैल्यू दे दी आपको 4। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय वूमन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, यानी फ्लो के अगेंस्ट जाना है, तो आपको टाइम कितना लग रहा है ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस तो आपको दे रखा है, देखो कि अगेंस्ट द स्ट्रीम आप जा रहे हो, तो 16 किलोमीटर जाना है। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए। स्पीड किसकी चाहिए, अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। अप स्ट्रीम की स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं, वी से। तो वी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला था ना वी का, अप स्ट्रीम स्पीड का। तो एक्स हमारे पास कितना है, 8, तो यहाँ से 8 माइनस 4 आपके पास आ गया 4 किलोमीटर पर आर, ये आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड। और जो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 16 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 16 है, स्पीड 4 है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 आवर्स। तो 4 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस जो है आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आर है। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया वी, ये आपको दिया हुआ 6। एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आर, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया यू, ये भी आपको दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब आपको वाई निकालना है, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर मतलब आपको एक्स निकालना है। तो x या y निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, x का फार्मूला होता है u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2। तो u हमारे पास 10 है, ये 6 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 16 बाय 2, यानी आ गया आपके पास 8। तो 8 की आ गई आपके पास स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये आपको दे आ गया आंसर 8 किलोमीटर पर आर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे मतलब आपको वाई फाइंड करना है। वाई फाइंड कैसे करेंगे, यू इसका फार्मूला होता है यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। यू की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 बाय 2। 4 बाय 2 का मतलब आ गया 2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास क्या बन गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ गया आपके पास 2 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट जहां भी आपको जरूरत लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन 2 आवर्स ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आर। इसने टाइम आपको दे दिया, यहां पर 2 घंटे का टाइम है आपके पास, ठीक है, 2 घंटे का टाइम है। और इस 2 घंटे के टाइम में ये कहता है कि जो बोट है वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है रिवर में डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आर, यानी ये जो स्पीड आपको दे रखी है ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब ये आपको यू दिया हुआ है। एंड रिटर्न बैक एट 9 किलोमीटर पर आर, और जब वो वापस आती है मतलब अप स्ट्रीम होगी, जब वो जा रही है डाउन स्ट्रीम तो वापस आएगी तो अप स्ट्रीम ही होगी ना, ये आपको दे दिया वी इसने 9 किलोमीटर पर आर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, y का फार्मूला होता है सीधा u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। तो 17 माइनस 9
बाई टू, 17 माइनस 9 हो गया कितना 8 बाई टू, आंसर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर दिया गया है, यहाँ पर जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब जो फार्मूलाज हमने सारे किए उस फार्मूला में मैंने बताया था कि वो फार्मूला भाई उनके लिए हैं जिसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का डिस्टेंस सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम उन फार्मूला से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसको हम यूजुअल मेथड से करेंगे। ठीक है, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है इन 5 आवर्स ईच टाइम। दोनों का जो टाइम है वो आपको 5 घंटे दे रखा है, तो दोनों की स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो स्पीड दोनों की हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो है 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, 5 आवर्स, तो यू की वैल्यू आ गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब आपको V की वैल्यू दे दी यहाँ पर 20/5, ये आ गया आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। द फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, तो इसका फार्मूला तो हमारे पास अभी अभी हमने किया है, वही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो 6+4 आप करोगे यहाँ पर, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6+4 यू प्लस में वी डिवाइडेड बाई 2, 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये भी आपका ऐसे ही निकल गया, तो 6-4/2 ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा इसी तरीके से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की हमें जो डिस्टेंस अलग अलग दिया था, ये दोनों की स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ था, तो उससे हमने स्पीड यहाँ पर निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो हमारे पास है, यस, यहाँ कहता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट इन द वाटर इज 25:4। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर मोटर बोट की स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, x से। एंड दैट ऑफ द करंट इन द वाटर इज 25/4 और स्पीड ऑफ करंट हम डिनोट करते हैं y से। तो ये हमारे पास रेशो दे रखी है 25/4। द मोटर goes certain distance downstream in 5 hours 15 minutes। जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो जो टाइम लगता है हमें वो कितना दिया हुआ आपको, 5 hours and 15 minutes। तो जो T1 की वैल्यू है, डाउन स्ट्रीम का टाइम को हम T1 से डिनोट करते हैं, तो ये आपको दिया हुआ 5 hours and 15 minutes। तो आप इस सारे को या तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सारे को या आप उसमें कन्वर्ट कर लो, आवर्स के अंदर किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो 5 आवर्स का मतलब हो जाएगा, एक आवर के अंदर अगर 60 मिनट होते हैं तो 5 आवर्स का मतलब हो गया 300 प्लस 15, यानी आ जाएगा 315 मिनट्स, अगर हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें। आर में कन्वर्ट करना चाहो आर में भी कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक पूछता है आपसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, तो उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। वापस आने का मतलब है कि अप स्ट्रीम का ये डिस्टेंस पूछ, अप स्ट्रीम की टाइम पूछ रहा है ये कि वापस आने में कितना आपको टाइम लगने वाला है। तो अप स्ट्रीम का टाइम निकालने का मतलब है T2 की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब यहाँ से हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं जिसमें T1 और T2 और XY में एक रिलेशन होता है। एक फार्मूला होता है हमारे पास X/Y T2+T1/T2-T1। तो यहाँ T1 T2 आपको दो बार रखना है, T1 या T2, और ये तो हमें निकालना है। तो इस फार्मूले की जगह हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जिस फार्मूले में होता है यहाँ पर T2/T1 X+Y/X-Y। अब T2 तो आपको फाइंड करना है, T1 की वैल्यू आपके पास है 315, X और Y की वैल्यू यहाँ से लेंगे क्योंकि रेशो आपको दे रखी है, तो X की वैल्यू हो जाएगी 25 के और Y की वैल्यू रख लेते हैं हम 4 के। रेशो में जब दिया होता है इस तरीके से निकालते हैं ना वैल्यू हम। अब आप T2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 315 को इधर ले जाते हैं, इधर आ गया इनटू में आपके पास 29K डिवाइडेड बाय 21K, K से K कैंसिल,
पाँच से इसको काट के देखो, 15 1 15, 15 2 30 प्लस 1 31, 15 पे ये कैंसिल हो गया, 15 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 9 135 कैरी किया हमने 13, 15 2 30 43, तो 435 हो गए मिनट्स। अब जो टाइम आपको 5 आवर्स इस तरह से दिया हुआ था, तो इस टाइम को भी आप आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 60 से, तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना बन जाएगा, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 15 15 से कट जाएगा, 15 से कटेगा कितने पर, ये कटेगा 29 पर, और 15 से ये कटेगा 4 पर, तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 4 24 प्लस में 5, तो ये बन गया आपके पास टाइम 6 आवर्स। और जो 5/4 है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4 से अगर हम काटेंगे ये तो 7 पे चला जाएगा, ये 4 7 28, तो यह आ जाएगा 7 आवर्स। और जो 1/4 है इसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहता है कि एक बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। फिर आगे कहता है आल्सो इट वाज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। आगे भी डिस्टेंस आपका यहाँ पर चेंज कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये उस फार्मूले से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो केस है उसके अंदर क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 घंटे के अंदर। तो 6 घंटे के हिसाब से हम यहाँ पर दोनों की पहले निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं दोनों का। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर x है और स्ट्रीम के अंदर हमारी y है, तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है या अपस्ट्रीम स्पीड होती है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाती है हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, और अपस्ट्रीम स्पीड बनती है x माइनस वाई। अब पहले वाली कंडीशन में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम का कितने घंटे में और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों का टोटल टाइम दे रखा है इसने 6 आवर्स, तो हम इसका टाइम निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 22 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम टाइम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 20 अपॉन में x माइनस वाई, और ये दोनों टाइम मिलाकर हमारे पास 6 आवर्स के बराबर है। ये हमारे पास बन गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आप जाते हो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे आप 10th क्लास में करते हो तो अगर याद आया हो तो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एक तरीका तो होता है कि इसको हम लेट करके चलते हैं, 1/x + y = u, 1/x - y = v, ऐसा आप करते थे 10th क्लास तक, पर मैं ऐसे नहीं करवाने वाला हूँ आपको, मैं डायरेक्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्ट भी हमें करना सीखना है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, चाहे आप ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस लो, आपको कोफिशियंट सेम करना है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 60, और ये आ गया आपके पास 18।
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाली को, तो ये भी 66 अपॉन में x प्लस वाई आ गया, और इसको 2 से करेंगे आ जाएगा 50, और इसको 2 से किया ये आ गया 16। साइन कर दो आप चेंज, तो देखो ये वाली टर्म हमारी सारी कैंसिल हो गई, हमारे पास यहाँ बचा 60 माइनस 50 यानी 10 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको आप इधर ले जाओ, 2 को नीचे लाओ, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब ये x माइनस वाई की वैल्यू उठाकर सीधा पुट कर दो आप फर्स्ट में, तो ये आ गया आपके पास 22 अपॉन में x प्लस वाई, 20 अपॉन में x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 5 इज इक्वल्स टू 6। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, ये आ जाएगी 11। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम बड़े इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। यहाँ से कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2x इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू अगर 8 है उसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो बोट है, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो 8 किलोमीटर पर आ रहा है, और करंट की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, तो 7th क्वेश्चन के अंदर यहाँ कहता है बोट गोज, ए बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का एक घंटे के अंदर वो कवर कर लेती है, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड आपको यहाँ से मिल गई, u आपको मिल गया 4 अपॉन 1, यानी 4 ही आ जाएगा। एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको मिल गई, ये सॉरी अपस्ट्रीम थी, तो इसको हम v से डिनोट करते हैं, x से u से नहीं, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, इसको v से डिनोट करेंगे और डाउन स्ट्रीम को डिनोट करेंगे हम u से। तो u में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो अभी भी 4 है। टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। जो टाइम आपको 40 मिनट्स ये दिया हुआ है, इस 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 अपॉन 60, यानी 2 अपॉन 3। तो यहाँ आएगा आपके पास 2 अपॉन में 3, ये 3 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल, ये 3 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 6। तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई और ये हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आगे क्वेश्चन में कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर स्टिल वाटर। अगर 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम कितना लगेगा। तो स्टिल वाटर की आपको स्पीड चाहिए, अब स्टिल वाटर की स्पीड मतलब आपको x चाहिए, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, u प्लस में v अपॉन में 2। तो u की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर आ गया आपका 5। ये स्पीड आ गई आपकी स्टिल वाटर की, और टाइम डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 2 घंटे का टाइम लगेगा ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन में कहते हैं मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यानी अगर हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाते हैं, अगर पानी के फ्लो के साथ साथ हम चलते हैं तो पानी भी अपनी स्पीड दे रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसके जितना भी टाइम लगता है हमारे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में जितना भी टाइम लगता है, अप स्ट्रीम जाने में उसका ट्रिपल टाइम लगता है। थ्राइस का मतलब ट्रिपल टाइम, तो सॉरी ट्वाइस दे रखा है, थ्राइस नहीं दे रखा, तो उसका डबल टाइम लगता है। तो यानी अगर डाउन स्ट्रीम टाइम हम ले लें जिसको हम डिनोट करते हैं T1 से, तो अगर हम T1 की वैल्यू ले लें K, तो T2 हमारे पास क्या बनेगा, T2 बन जाएगा 2K।
डबल टाइम लगेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई की रेशो निकालनी है। अब एक्स और वाई की रेशो निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था एक्स वाई का, वो क्या था, टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू प्लस टी वन, सॉरी ऊपर टी टू प्लस टी वन नीचे टी टू माइनस टी वन, यही फार्मूला था ना। चेक कर लेते हैं एक बार, फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, फार्मूले गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो टी टू की जगह आपके पास है टू के प्लस में के नीचे टू के माइनस के, तो ये आ गया हमारे पास थ्री के नीचे से आ गया के, के से के कैंसिल, तो एक्स और वाई की जो रेशो है वो आ गई हमारे पास थ्री रेशो वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं ना तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं है। यहाँ तो हम फिर भी समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहे हैं लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगना। अगर हम क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो नाइन में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ क्या कुछ कुछ है, देखो ये बोट टेक्स थ्राइस, वहाँ ट्वाइस था यहाँ थ्राइस है, ये डिफरेंस है, सेम चीज़ है। एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज द रिटर्न डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमेशा कम रहेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर एक्स या के ले लेते हैं, और अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा थ्री टाइम्स यानी थ्री के। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ टू फाइव किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, बस क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर वाई दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी एक्स आपको फाइंड करना है, फार्मूला तो वही रहेगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू टी टू प्लस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना है, वाई दिया हुआ है फाइव, टी टू आपके पास है थ्री के प्लस में के नीचे आ गया थ्री के माइनस के, फाइव को आप इधर ले जाओ, थ्री के प्लस में वन के फोर के डिवाइडेड बाई टू के, इससे कैंसिल हो गया टू पे, तो फाइव टू जै टेन, ये आपका आंसर आ गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। फाइनल जब आंसर आप करोगे तो यूनिट ज़रूर आपको मेंशन करनी है, यूनिट को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 6 आवर 36 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। यानी ये सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है कि जितना उस डिस्टेंस को कवर करने में अपस्ट्रीम में टाइम लगता है वो टाइम दे रखा है आपको 6 आवर्स एंड 36 मिनट। यानी ये तो हो गया आपके पास टी टू, तो टी टू की वैल्यू आ गई 6 आवर्स एंड 36 मिनट्स। और जो टी वन है वो आपको दे रखा है, यानी वही डिस्टेंस अगर आपको ट्रेवल करना है डाउन स्ट्रीम तो आपको टाइम लगता है 3 आवर्स का, तो ये आ गया आपके पास 3 आवर्स का, इसको डिनोट करेंगे हम टी वन से। डाउन स्ट्रीम का टाइम टी वन, अपस्ट्रीम का टाइम टी टू। अब यहाँ पर जो मिनट है ना इसको आप इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 6 आवर्स तो ये है ही, 36 को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे 12 से इसको काट देते, 5 6 30 + 3 33 / 5 आवर्स आ गया। अब पूछता गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अपॉन में वाई, यानी एक्स और वाई की रेशो पूछ रहा है। तो एक्स और वाई का जो फार्मूला होता है ये आता है टी टू प्लस टी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो देखो टी टू और टी वन दोनों को आप ऐड करोगे 33 / 5 + 3 / 33 / 5 - 3, तो 5 3 = 15, 15 को अगर आप इसमें ऐड करोगे ऐसे 33 + 15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, नीचे 33 - 15 / 5 आ गया, 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे 48 आ गया, यहाँ से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ गया 18, 6 से काट देते तो रेशो आ जाएगी इसकी 8:3, एक्स और वाई की रेशो आ जाएगी आपके पास 8:3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में कहता है कि मोटर बोट है टेक्स 3 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक्स द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर एंड 15 मिनट। पिछले क्वेश्चन की तरह टी टू और टी वन आपको दिया हुआ है, तो टी टू कितना है, टी टू दे रखा है 3 आवर्स और टी वन कितना है 1 आवर एंड 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स को भी आप आर में कन्वर्ट कर लो, ये भी आर बन गया, 4 1 = 4 + 1 यानी 5 / 4 आवर्स।
अब आगे कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वाई, ये आपको दिया हुआ है 7, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला वही रहेगा जो भी हमने पीछे लगाया, एक्स अपॉन वाई टी टू प्लस टी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, फार्मूला सेम काम करेगा। एक्स आपको निकालना है, वाई की वैल्यू 7 दे रखी है, टी टू और टी वन को ऐड करोगे, 5 अपॉन में 4 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 4, टी टू ये है, टी टू ये है, तो 3 प्लस 5 अपॉन 4, प्लस में तो चलो आप जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन नीचे माइनस में सही से लिखना है, प्लस में तो चल जाएगा काम। 4 12 5 17, 12 में से 5 गए 7, 7 से 7 कैंसिल करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन में कहते हैं बोट रोज डिस्टेंस, ए बोट रोज ए डिस्टेंस, और क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ए बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, ए बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, यहाँ पर ऑफ आएगा, डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दोनों आपको दी हुई है यहाँ पर, तो यू की वैल्यू आपको दे रखी है 13 और V की वैल्यू दे रखी है आपको 7 और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 किलोमीटर। तो यहाँ कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, तो एवरेज स्पीड का ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज में। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था फार्मूला, एवरेज स्पीड, फटाफट रिकॉल करो फार्मूला क्या था आपके पास, ये फार्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये फार्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एक्स की जगह आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी वैल्यू, वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू होती है यू प्लस में वी अपॉन में टू, यानी 13 प्लस में 7 अपॉन में 2, तो 20/2 ये आ जाएगा 10, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 7 अपॉन में 2, तो 13 माइनस 7 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करना है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो 100 माइनस 9, तो 100 माइनस 9 आ गया आपके पास कितना 91 अपॉन में 10, उसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 9.1 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बन जाएगी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या आपको दिया हुआ है जी, ये आ गया 13 हमारे पास, इसमें कहता है मैन रो, ए मैन रो 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की जो स्पीड दी गई है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, करंट मतलब यहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो वाला करंट, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको दे दी, एक्स की वैल्यू आपको दे दी है 8 और वाई की वैल्यू दे दी है आपको 2, एंड इट टेक्स 4 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न बैक, हाउ फार इज द प्लेस, और वो किसी एक प्लेस पर जाता है और जाके वापस आता है, तो उसमें उसको टाइम लगता है 4 आवर्स का, यानी जो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वही वापस भी आना है, वहीं पर तो पड़े नहीं रहना है, वापस अपने घर भी आना है, तो उतना ही डिस्टेंस हमने कवर किया, इसके आने और जाने में टोटल जो टाइम लगा है वो हमें 4 आवर्स का टाइम लग रहा है, यानी जो टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 4, ये टी क्या है, ये टी टी टू प्लस टी वन है, यानी आने और जाने दोनों का टोटल टाइम है ये, ठीक है। तो जब आने और जाने का टोटल टाइम दिया होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का फार्मूला है, इसने डिस्टेंस ही यहाँ पर पूछा है ना, हाउ फार इज द प्लेस, इसने डिस्टेंस पूछा और कितनी दूर गए, तो डिस्टेंस के दो फार्मूले हमने पढ़े थे, एक में आने जाने का टोटल टाइम दिया होता है, एक में आने जाने के टाइम का डिफरेंस दिया होता है, तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस है थोड़ा सा। डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर क्या है, टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, जब आने और जाने का टोटल टाइम दिया होगा तो यहाँ पर 2x होता है, जब डिफरेंस दिया होगा तो यहाँ पर y होता है,
तो आप टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, टी आपके पास कितना है 4, एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में एक्स, 4 से इसको कैंसिल करिए हमने, 64 माइनस 4 60 अपॉन में 4, यानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप वापस आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14, तो इसके अंदर क्या कहता है, फार्मूले की ऊपर बात है सारी, फार्मूले आपको अच्छी तरह याद हैं तो ये क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से आप कर ले पाओगे अगर फार्मूले याद हैं तो। द स्पीड ऑफ ए बोट, बोट लिख दिया यहाँ पर, चलो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आर, यानी वही एक्स हो गया आपके पास, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई हो गया आपके पास। ए पर्सन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एक आदमी ने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और वो वापस आया, यानी जो पिछला क्वेश्चन था फार्मूला वही यूज होना है, बस पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम यानी टी आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला हम लगाएंगे, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 12 और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 70। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला था हमारे पास टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फार्मूला वही रहेगा सेम, डिवाइडेड बाय 2x। डिस्टेंस की जगह आप 70 पुट करेंगे, टी की जगह आप पुट करेंगे तो निकालना है, ये तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2x, तो ये आ गया आपके पास 70 इक्वल्स टू में टी इंटू 140 डिवाइडेड बाय 12 टू जै 24। इसको 24 और 140 को आप इधर ले आओ तो 70 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल्स टू टी, 70 से इसको 2 पे काटेंगे, 2 से हम इसको काटेंगे, तो हमारे पास 12 घंटे का टाइम आ जाएगा। इन 12 घंटों के अंदर आपने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर भी कर लिया और वापस भी आ गए, स्पीड बड़ी तगड़ी है, 70 किलोमीटर 12 घंटे में आप आ गए। आज के टाइम में जब इतना ट्रैफिक जाम होता है तो ये डिस्टेंस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ हाईवे पे तो आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 15। 15th क्वेश्चन में कहता है बोट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए और फिर हम वापस आ गए, टाइम कितना लगा हमें 4 आवर एंड 30 मिनट का, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस चीज़ें आपसे घुमा फिरा के अलग अलग पूछ रहा है, कभी डिस्टेंस पूछ रहा है, कभी टाइम पूछ रहा है, अब स्पीड पूछ रहा है, फार्मूला बिल्कुल वही है क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है आपको, ये तो आपको यहाँ पर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया यानी 30 आ गया, टी आपको दे दिया 4 आर एंड 30 मिनट्स को मैं ऐसे लिख लूँ आर के अंदर 9/2 हो गया, स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स आपको दे दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई आपसे पूछ रहा है, तो जो भी हमने फार्मूला लगाया डिस्टेंस का सेम फार्मूला अप्लाई करो क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम आपको दे रखा है इसने, तो D की जगह आ गया आपके पास 30, T की जगह आ गया 9/2, X स्क्वायर हो गया आपके पास 225, Y स्क्वायर नहीं लिख सकते वो तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 2X, तो ये 15 टू द 30 जो है इसको आप इधर ले आओ, 30 इंटू में 30 इज इक्वल्स टू 9/2 225 माइनस वाई स्क्वायर, अभी जो 9/2 है इसको भी इधर ले आओ आप, ये हो जाएगा 900 2/9 इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा 200, तो ये बन गया आपके पास 200
और ये 2 to 5 इधर आ गया -2 to 5, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी आपके पास 25, और y की वैल्यू निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ±5 आएगी। अब वैल्यू तो ±5 आ रही है, क्या दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं? बिल्कुल भी लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड माइनस में नहीं होती है। अब आगे चलते हो, उल्टा नहीं चलते हो, ठीक है। स्पीड आपकी -5 कैंसिल हो जाएगी, y इक्वल्स टू -5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो यानी y की वैल्यू रहेगी सिर्फ आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एंड जी 16th क्वेश्चन पे हम आए, तो हमारे पास क्वेश्चन आया ये सामने, क्या इस क्वेश्चन के अंदर है, द बोट टेक्स 90 मिनट लेफ्ट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है, क्या कहता है, ए बोट टेक्स 90 मिनट लेस नॉट लेफ्ट, ठीक। एक तो ये यहाँ पर लेस है, 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, नॉट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। कई बार ये गूगल बाबा स्पेलिंग गड़बड़ कर देते हैं, कई बार हम खुद गलत कर देते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फार्मूला डिस्टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है क्वेश्चन के अंदर। क्या ट्विस्ट हो गया है, यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि उसको जो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जब वो जाता है तो उसको अप स्ट्रीम में यही डिस्टेंस कवर करने में 90 मिनट ज़्यादा लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में कम लगते हैं, इसलिए लिखा हुआ है 90 मिनट लेस, ठीक है। तो यहाँ पर आने और जाने का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, यानी T2 - T1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स को करो आवर्स में कन्वर्ट, तो 90/60 3/2 आवर्स का डिफरेंस आता है। यानी डाउन स्ट्रीम आप जाओगे तो टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, अप स्ट्रीम जाओगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड वहाँ पर कम होती है, तो अप स्ट्रीम जाने में आपको 90 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो यानी जो टी की वैल्यू है आपको वो कितनी मिल गई, 3/2। इफ द स्पीड ऑफ द बोट, यानी एक्स की वैल्यू आपको 10 मिल गई, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 36 है, फार्मूला वही हो गया जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, फार्मूला तो वही हो गया, बस फर्क क्या रहेगा फार्मूले में, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2y। y क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर T2 - T1 दिया हुआ है, T2 + T1 नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस यहाँ एक्स वाई का डिफरेंस आता है, यहाँ पर जो ये वाला t है ये आने जाने का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर, टाइम आ गया आपके पास 3/2 आवर्स, x² - y² यानी 10 का स्क्वायर करेंगे हम आ जाएगा 100, y स्क्वायर हमें निकालना है, और इस बार नीचे भी यहाँ पर 2y है, तो यहाँ से 2 × 2 = 4, 4y इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 = 100 - y², 3 से कैंसिल हो गया, 12 × 4 = 48, y = 100 - y². अब इन दोनों को आप इधर लाओ, y² + 48y एंड -100। अब ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके इसके फैक्टर करो, एक फैक्टर बन गया आपका 50, एक फैक्टर बन गया 2, क्योंकि 50 और 2 को माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया y + 50 एंड y - 2, तो y की वैल्यू आ रही है एक -50 और एक y की वैल्यू आ रही है 2। अगर y की वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये वैसे कैंसिल होगी, y की वैल्यू रह जाएगी 2। अगर यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में भी आ जाती है 50, तो भी भाई पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है 10, यानी बोट जो उसमें चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आर,
तो भाई आप जब अप स्ट्रीम जाओगे तो जा भी पाओगे? आप जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, पानी वहाँ से बह गया रहा 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो क्या चल पाओगे? बिल्कुल नहीं चल पाओगे, उल्टा ही उल्टा चलोगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर जाओगे। तो ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पर पानी के भाव की स्पीड आपसे भाव से आपकी स्पीड से ज़्यादा हो, ऐसी जगह बिल्कुल भी मत जाना कभी भी, नहीं तो फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17th क्वेश्चन में हमें दिया है, ए मैन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन द 14 आवर्स। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि आने और जाने का जो टोटल टाइम है, यहाँ 14 आवर्स है, आने जाने का टोटल टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको 48। तो जो डी की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है हमें यहाँ पर 48, और टाइम जो है आने जाने का ये दे रखा है 14। ये जो 14 आवर्स है ये टी की वैल्यू यहाँ पर T2 + T1 है, आने जाने का टोटल टाइम है, ये ध्यान रखना। जब भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे तो ये जरूर ध्यान रखना है कि टी जो दिया हुआ है वो कौन सा है, आने जाने का टोटल टाइम है या डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे कहता है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इज द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ पर कहता है कि जितनी देर में वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है उतनी ही देर के अंदर जो अप स्ट्रीम है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी यहाँ पर एक तरह से आपको यू और वी की इसने रेशो दे दी, इसने बोला कि भाई यू अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे उतनी देर में वी आप 3 किलोमीटर जाओगे, यानी जो स्पीड है आपकी वो 3 किलोमीटर होगी, ये 4 किलोमीटर पर आर होगी। तो अब रेशो आपको दे रखी है तो इस रेशो को हटाकर यहाँ से हम यू की वैल्यू ले लेते हैं, यू आ गया आपके पास 4K और वी आ गया आपके पास 3K। अब जो डिस्टेंस वाला फार्मूला उसमें यू वी की तो हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें तो वहाँ एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू होती है यू प्लस में वी डिवाइडेड बाय 2, यानी आ जाएगा 7K/2। और वाई की वैल्यू क्या होती है, यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी आपके पास K/2। अब भाई यू एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, अब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओ और डिस्टेंस की जगह जो दो चीज़ें आपको चाहिए वो पुट कर दो। डिस्टेंस का फार्मूला हो गया टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम है। तो डी की जगह आपके पास आ गया 48, टी की जगह 14, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर हो गया 49/4, के स्क्वायर माइनस इधर से आ जाएगा K²/4 डिवाइडेड बाय नीचे है 2x, एक्स की जगह आपके पास वैल्यू कितनी है 7K/2, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल और इस 2 से ये भी कैंसिल। तो ये कैंसिल करने में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कैंसिल करना, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे कैंसिल करा है। अगर आप भी कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बच रहा है 24, यहाँ पर आएगा 49/4 माइनस 1/4 यानी 48/4 K² और एक K अभी नीचे है, इस K से एक K ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी K की वैल्यू कुल मिला के आ गई हमारे पास 2। अब उसने पूछा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड मतलब y बताना है और y की वैल्यू क्या आती है K/2, तो K की जगह आएगा 2/2 यानी 1 किलोमीटर पर आर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, एक्सरसाइज 1.4, ये दोनों पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, समझ में आया है और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को भी शेयर करो, चैनल को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को मत भूलो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, पूरे साल में वीडियो डालूंगा, धड़ाधड़ वीडियो डालूंगा, ठीक है। आप किसी बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लें, हर एक कंसेप्ट का आपको वीडियो मिलेगा, हर एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा, हर क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। और सपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, और कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करो, बस इतना काम आप करो, बाकी काम मैं करूँगा, और अब जो सारी टेंशन है ना वो मेरे ऊपर छोड़ो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।